दोस्तों, तो आज मैं आ गया हूँ लक्ज़मबर्ग गार्डन के पास। ये जो है लक्ज़मबर्ग मेट्रो के पास ही है, तो आपको अगर आना है यहाँ पे तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा आइसक्रीम का शॉप भी है, ये देख सकते हो आप। वन कोन का जो है 350 है, टू कोन का 650 है, थ्री आई थिंक बॉल्स है, कौन है पता नहीं, जो भी है 950 है ये लेटेस्ट का। और ये जो है स्टॉप है, और यहाँ से इसका एंट्री है। ये हम आ गए हैं लक्ज़मबर्ग गार्डन, और ये जो है इसका जो है मैप देखते हैं। आज संडे है और बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, सच में बोलता हूँ तो। मतलब मैं बोलो तो जो है बोलते हैं ना कि जो है यूरोप जो है वो टूरिज्म से परेशान है, वही हालत हुआ है। ये जो है गार्डन का पूरा मैप है। ये जो है यहाँ पे एक पैलेस बना हुआ है, लक्ज़मबर्ग पैलेस है या फिर पता नहीं, नाम जो भी है बोल सकते हो। और अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं, ये जो पॉइंट से एक पॉइंट वगैरह है उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। सब चीज़ें फ्रांस में है तो बहुत समझना मुश्किल रहता है। यहाँ पे इन्होंने कुछ भोजन नापने का रखा हुआ है, देखते हैं ना अभी इतना आता है मेरा। नो, ये काम ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे कॉइन वाला था मेरे ख्याल से, बट अभी काम नहीं कर रहा है ये। ये इधर ट्री हाउस बना हुआ है मेरे ख्याल से, लोग यहाँ पे बहुत बैठे हुए हैं। अंदर भी ऐसा ऑफ है वैसे जूस वगैरह का, देखते हैं कैसा है रेट वगैरह, फिर मैं भी ले लूँगा कुछ जूस वगैरह पीने के लिए। और इधर है बहुत सारे अलग अलग वहाँ पे स्टैचूज वगैरह बने हुए हैं इस लक्ज़मबर्ग गार्डन में। भीड़ तो बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को यहाँ पे, देखते हैं देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये आइसक्रीम वगैरह यहाँ पे भी मिल रहा है। अभी थोड़ा पेरिस में समर का टाइम चल रहा है, समर से थोड़ा विंटर आ रहा है। देखता हूँ मैं, कोक ले लेता हूँ, छुट्टे थे तो देखते हैं। 2.5 यूरो के आसपास दिखा रहा था रेट तो। देखो मैं इस शॉप मैंने नया देखा, सारे करेंसी सारे वर्ल्ड की करेंसी का जो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पे इंडिया का भी 10 रुपये लगा हुआ है देख सकते हो। तो मैंने अभी एक कोक ले लिया है, तो देखते हैं अभी क्या क्या है लक्ज़मबर्ग गार्डन में। यहाँ पे और भी कुछ शॉप्स हैं अंदर में वैसे, और यहाँ से पेरिस का जो है एफिल टावर भी दिख रहा है थोड़ा सा, आई थिंक थोड़ा आगे जाएंगे तो दिखेगा। ये यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी है, और ये आ गया अपना लक्ज़मबर्ग गार्डन या पैलेस, देख सकते हो ये बहुत बड़ा है पैलेस। एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है पेरिस का। अब देख सकते हो कितना भीड़ है यहाँ पे, इस ह्यूज भीड़ है, मतलब तो बहुत ज़्यादा है, आप क्या ही बोल सकते हैं भीड़ को देख के, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। एक्चुअली पेरिस में टूरिस्ट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं मेरे ख्याल से। ये है लक्ज़मबर्ग का जो है मेन अट्रैक्शन, जो इनका जो है महल है, महल जैसे पैलेस है वो। यहाँ पे सब लोग कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, ये सुंदर सा है कि यहाँ पे फ्लावर का बना हुआ है पूरा सा। भीड़ देख सकते हो आप, इतनी भीड़ है ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा है मैं कहाँ पे आया हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो देख सकते हो कितना भीड़ है, और यहाँ पे एक ऐसा पॉन्ड लगा हुआ है, फव्वारे लगे हुए हैं यहाँ पे, छोटा सा पॉन्ड है, फव्वारे हैं, और देख सकते हो भीड़ कितनी है इतना तो एफिल टावर में नहीं था मैं गया था उस दिन, तो नाव चला रहे हैं लोग यहाँ पे, यूएस का बोट है वो,
इंडिया का नहीं दिख रहा, जापान का भी दिख गया। ये लक्जमबर्ग पैलेस, ये यहाँ पे जो है नाव मिल रही है, 6 यूरो है 30 मिनट के लिए। आप अपने कंट्री का फ्लैग भी लगा सकते हो यहाँ पे। इधर भी है कुछ जाने का, देखते हैं जाते हैं। पहले इधर थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। वैसे बहुत बड़ा नहीं है ये, जब आप आधे घंटे या एक घंटे में अगर आप करते हो तो आराम से इसको एक्सप्लोर कर लोगे। ये लगा हुआ है पेरिस 2024 और ये जो है लक्जमबर्ग का जो है गार्डन। भीड़ देख सकते हो आप, कितनी भीड़ है। यहाँ पे भी शॉप्स वगैरह हैं छोटे छोटे खुले हुए अंदर में। और ये देखो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, वो इतने ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, छोटा छाँव है यहाँ पे इसलिए। लक्जमबर्ग पैलेस को कितना भीड़ है भाई, वहाँ पे घुड़सवारी भी हो रही है। आप वहाँ से जाके, वहाँ से देख सकते हो यहाँ पे घुड़सवारी वगैरह भी हो रही है, आप घुड़सवारी वगैरह भी ले सकते हो आप यहाँ पे। तो बढ़िया है वैसे, आप यहाँ पे आके आराम से अपना एक दिन, तो एक दिन नहीं होगा पूरा, मतलब 1-2 घंटे आप आराम से जा सकते हो यहाँ पे। भीड़ देख के तो मैं हैरान रह गया, इतना भीड़ है। ये सुंदर सा रास्ता पेड़ भी बना हुआ, छाँव है बढ़िया यहाँ पे। तो यहाँ पर बढ़िया लक्जमबर्ग पैलेस को देख रहे हैं। यहाँ पे एक रेस्ट स्टॉप, ये बैठने के लिए अच्छा बनाया है उन्होंने, बैठने के लिए बनाया है कि पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, पता नहीं। बस लोग बैठे हैं आराम से यहाँ पे। तो अच्छी ऐसी मूर्तियाँ बनी हुई हैं अलग अलग जो है। उधर भी शायद तक ऐसा ही बना हुआ है, अभी उधर नहीं जा रहा हूँ। मोस्टली शायद सेम है दोनों, थोड़ा बहुत अंतर होगा बट मोस्टली सेम ही है। और वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए मैं बहुत जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है। वैसे पैलेस है, मैं पैर से अंदर जाने का देते हैं कि नहीं देते वो पता नहीं मेरे को, आई थिंक नहीं देते होंगे, तभी सब लोग बाहर हैं।
में लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं ना, मेरे ख्याल से सारी कुर्सी यहाँ पे रखी हुई है, तो आप भी यहाँ से लेके जाओगे, जहाँ भी आगे बैठ सकते हो। ये यहाँ पे एक और मूर्ति लगी हुई है, और ये हम प्लेस के बहुत पास आ गए। ऐसे पैलेस में सिक्योरिटी है, मेरे ख्याल से अंदर जाने नहीं देते, इसमें बोल रहा ये बहुत पास से देख सकते हो पैलेस जो है आप। उधर भी कुछ जाने का है, तो मेरे ख्याल से आप पूरा गोल घूम सकते हो पैलेस का, बट मैं सामने से भी आ रहा हूँ थोड़ा पास देखने के लिए। वैसे यहाँ पे मैं नोटिस किया, ज़्यादातर सीमेंट के नहीं, सीमेंट टाइप के रोड हैं, कच्चे टाइप के रोड हैं यहाँ पे, ज़्यादातर गार्डन वगैरह में और पैलेस वगैरह जो है आप जाओगे तो इस टाइप के हैं। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। ये जो है पैलेस है पास से, घड़ियाँ लगी हैं और कुछ मॉन्यूमेंट वगैरह हैं। यही था अलेक्जेंडर पैलेस। वैसे उतना ज़्यादा कुछ दिखाने को था नहीं यहाँ पे, बस पैलेस ही है और इधर आसपास जो गार्डन बना कर रखे हैं, और भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।